हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो यह कोरोना क्या है? क्या कोरोना असुर राज हिरण्यकश्यप का अवतार है? क्योंकि असुर राज हिरण्यकश्यप को भी एक वरदान था कि वह ना जमीन में मरेंगे, ना आकाश में मरेंगे, ना किसी अस्त्र से मृत्यु होगी, ना किसी शस्त्र से मृत्यु होगी, ना किसी जीव से मृत्यु होगी, ऐसे जीव से जिसने कि गर्भ से जन्म लिया हो, ऐसे जीव से भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। ना उनकी मृत्यु दिन में होगी, ना उनकी मृत्यु रात में होगी, ना उनकी मृत्यु अंदर होगी, ना उनकी मृत्यु बाहर होगी। अर्थात कोई भी ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा था उन्होंने कि जिससे कि उनकी मृत्यु हो सके। और कोरोना भी ऐसा ही एक अपना रूप दिखा रहा है। पिछले साल हमें जब शुरू में आया था तो हमें लग रहा था कि चाइना ठंडा प्रदेश है, इंग्लैंड ठंडा प्रदेश है, अमेरिका में भी ठंड है, तो यह ठंड के जहां है यह वहीं पर फैलेगा, क्योंकि एक वायरस अधिकतर इसी प्रकृति का होता है कि वहीं पर फैलेगा और यह गर्म प्रदेशों में मर जाएगा। तो हम पिछले वर्ष जून में बहुत तेज़ी के साथ गर्मी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोरोना है कि यह इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा और ना ही सारी दवाइयाँ, एक से एक रोज़ दवाइयाँ आ रही हैं। लोग अपने अपने उपाय लगा रहे हैं, अपने अपने विचार लगा रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन सारे उपाय, सारे अस्त्र, सारे ही जो तर्कस के अंदर तीर हैं वह कोरोना पर फैल हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना पर ना तो मौसम का ही असर हो रहा है, ना किसी दवा का ही असर हो रहा है, और यह अपनी एक लहर के बाद दूसरी, और अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ भारत के अंदर एक तीसरी लहर भी आने वाली है जो इससे भी ज़्यादा भयंकर तबाही मचाएगी, ऐसे आकलन भी करे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कोरोना पर कैसे विजय पाएं? कोरोना पर विजय पाने के लिए हमारे को सर्वप्रथम तो इस डर से विजय पानी होगी, क्योंकि आजकल का जो मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, यह तो एक ऐसा माहौल बना रहा है कि अगर आपने अगर 2 घंटे अगर न्यूज़ टीवी पर देख ली तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा नंबर भी अब कुछ ही समय में आने वाला है। आप खिड़की से या दरवाजे से, आप गली में से झांकेंगे तो आपको लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो ऐसा डर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एक छोटा सा मैं यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, समय का भी बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। तो इंग्लैंड के अंदर एक प्रयोग हुआ था, तो एक प्रयोग किया गया था फॉरेन देशों के अंदर, एक कैदी को उससे यह कहा गया कि हम तुझे फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, हम तेरे को सांप से डसवा कर मृत्यु देंगे। और उस दिन जब फांसी का समय आया तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उसे मात्र एक सुई चुभाई गई, नॉर्मल सी साधारण सी जो आम चुभ जाती है, और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। तो आज जो कोरोना से जो दहशत है, तो वह मृत्यु सांप के डर से नहीं थी, वह मृत्यु सुई से नहीं थी, वह सुई की नोक दिमाग के अंदर अगर ऐसी बैठ गई थी, वह सांप का डस और सांप का विष, तो यह जो डर है यह भी बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो कोरोना से हमें मुक्ति पाने के लिए अपने इस डर पर भी विजय पानी होगी। हमें इससे डरना नहीं होगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा डर होता है तो वहाँ छोटी सी भी जो नामालूम छोटी से छोटी घटना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयंकर साबित हो जाती है। तो कोरोना के लिए आपको सुरक्षित रहने के लिए हमें सर्वप्रथम तो योगा करना होगा। कपालभाति है, ओजीआई है, अनुलोम विलोम है, ऐसे योगा हमें अवश्य ही सुबह शाम करने होंगे। और योगा के बाद हमें हल्दी और गर्म पानी में मिलाकर ही पिए, दूध के साथ, या कप बनाती है तो कप दूध के साथ ना लेकर हल्दी पानी पिए, तो यह लीवर के लिए बहुत बढ़िया होता है, किडनी के लिए बढ़िया होता है, श्वास नली के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तो हमें इससे लड़ने के लिए अपने भोजन को, अपनी दिनचर्या को संयमित करना होगा। एक उदाहरण और भी है, हमें
इस डर पर विजय पाकर ही कोरोना पर विजय पानी होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।